पूरा डार्क हो चुका है, तो अभी हम लोग अब इंडिया से 5.5 घंटे आगे आ चुके हैं भाई। रोड माँ का दान, आप सिर्फ विंटर्स में पहुंच सकते हो। 1000 रुपए किलो यहाँ पे खीरा मिल रहा है, इतना महंगा। सको सबूत चूज अ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ। नो नो भाई, ये सारे लोग बोल रहे हैं भाई हमारे लिए आप सेलिब्रिटी हो। Hey guys, very good afternoon and welcome back to the new vlog. मेरा नाम है तुर्वशु। अभी मैं वर्ल्ड कोल्डेस्ट रीजन ओमियाकोंस्की की कैपिटल उस नेरा में अब निकल रहा हूँ मगदान के लिए। okay. तो मेरे साथ अभी दीमा है। टेम्परेचर -60 -65 कुछ ऐसा है। अभी हम रोड ऑफ बोन्स से एकदम सेंटर में है। उस सनेरा से 1000 किलोमीटर याकुस भी है और लमसम 1000 किलोमीटर मगदान भी है रोड ऑफ बोन का दोनों एंड। ये हमारी टैक्सी है उस सनेरा से जो आगे मगदान की तरफ जाएगी। वेरी 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 कूल। ओके गुड लक। ओके गुड, थैंक यू सो मच दीमा। ओके ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच। ओके ओके बाय बाय। अरे यार ठीक से मिलने भी नहीं दे रहे यार, ठीक से मिल भी नहीं पाया चले टाइम यार, इतनी ठंडे बाहर है, बैठे बैठे ठंड लग जाएगी यार, ठीक से मिलने भी नहीं दिया। स्कूल का टाइम 16:16 तो ये टैक्सी है पूरा उस एरिया से मगदान तक जाने वाली है 1000 किलोमीटर। ये 16 घंटे बोल रहा है, कोई 18 घंटे बोल रहा है, कोई 20 घंटे बोल रहा है, देखते हैं। आई थिंक कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग मगदान पहुंच जाएंगे। उस सनेरा से निकले लगभग 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं। अगले टाउन में हम लोग रुके हुए हैं कोलिमा हाईवे पे। तो देखो कुछ ऐसा टाउन है ये, कुछ ट्रक्स खड़ी है, कोई कैफे है यहाँ पे लग रहा है, कैफे लिखा हुआ है, इंसान तो दिखते ही नहीं है गाड़ियों के अलावा। कोलिमा हाईवे पे जितने टाउन है ना सब मोस्टली माइनिंग टाउन ही है, माइंस इंडस्ट्री की वजह से ही इनको एस्टेब्लिश किया गया था। इस वीडियो में और इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि उस्तेनेरा में मैं शाशा से मिला, एंद्रे से मिला और दीमा से मिला। उस्तेनेरा आने से पहले इनको मैं जानता नहीं था, रैंडमली इनसे बस मिलना हो गया किसी के थ्रू। काफी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उनके साथ। आई डोंट थिंक सो लाइफ में दोबारा कभी इनसे मिलना होगा। थोड़ा बुरा लगता है यार अचानक से काफी अच्छे लोगों से मिलो फिर तुरंत जाना पड़ जाए। बीइंग अ ट्रैवलर, एक ट्रैवलर की लाइफ ही ऐसी होती है, और ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं हुआ। पहले भी सैकड़ों बार हो चुका है और आगे भी सैकड़ों बार हो रहे हैं, मुझे पता है, बट क्या कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -20 डिग्री और यहाँ पर है -60 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे मगदान की तरफ टेम्परेचर वैसे वैसे थोड़ा ज्यादा होता जाएगा, यानी कि थोड़ा गर्म होता जाएगा। रीजन ये है मगदान लोकेटेड है सी पे, एक सी का पोर्ट है मगदान, जाके बताऊंगा मैं। उस्तनेरा, ओमियाकोन, तोमतो, याकुस ये सब आता है साखा रिपब्लिक में। अभी हम लोग तरीके का साखा रिपब्लिक और मगदान ओब्लास्ट के बाउंड्री पे है। मगदान ओब्लास्ट का कैपिटल है मगदान, जो कि एकदम आखिरी एकदम एंड पे लोकेटेड है। तो आई थिंक शायद 1-2 घंटे के अंदर मगदान ओब्लास्ट शुरू हो जाएगा, हम लोग एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में एंटर कर जाएंगे। सो गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं, पूरा डार्क हो चुका है और हम लोग मगदान ओब्लास्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अभी मगदान यहाँ से अराउंड होगा 700 किलोमीटर भी बाकी होगा मगदान यहाँ से, और टाइम जोन चेंज हो चुका है। याकुस में टाइम जोन था +9, उस्तनेरा में था +10, मगदान ओब्लास्ट में टाइम जोन है +11। तो अभी हम लोग अब इंडिया से 5.5 घंटे आगे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत देख रहे हो। अभी हम लोग हाईवे पे ही खड़े हुए हैं कोलिमा हाईवे पे। ये हमारी कार है शॉर्ट ब्रेक के लिए रुकी हुई है, सब अंदर जा चुके मेरे छोड़ के। मैं सोचा था रात भर सो जाऊंगा गाड़ी में, लेकिन गाड़ी पूरी रास्ता खराब, गाड़ी उछल रही है, सीट भी ऐसी है अनकंफर्टेबल, रात भर सो नहीं पाया। अफ्रीका की याद आ चुकी है मेरे को, अफ्रीका में ऐसी जर्नी होती थी। 10,000 10 विदानिया। सो गाइस अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, हम लोग मगदान पहुंच चुके हैं। लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इस गाड़ी ने 15 घंटे लिए होंगे। कहाँ रुकना है मेरे को पता नहीं है, मैं मगदान में किसी को जानता नहीं हूँ। ऐसे ही रास्ते में अभी मैं 1 घंटे पहले कुछ हॉस्टल वगैरह देख रहा था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, एक ही कुछ समझ में आया है मेगा हॉस्टल, जाकर देखते हैं खुला है कि नहीं खुला है, वर्किंग है कि नहीं, जगह मिलेगी नहीं, जाकर पता चलेगा। अभी टैक्सी वालों ने उस्तनेरा से मगदान तक के लिए 1000 किलोमीटर के वही सेम 10,000 रुपये लिए, लगभग 12,000 रुपये पर किलोमीटर, 12 रुपये शेयरिंग टैक्सी। देखो ये हॉस्टल के बाहर का लोकेशन है, सुबह 4:30 बजे, सब जगह बर्फ जमी हुई है, यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं,
बाकी आप लोगों को बहुत कुछ बताना, लेकिन अब मॉर्निंग होने पर ही बताऊंगा जब बाहर निकलूंगा। चलो कोई आया तो सही, कम से कम मुझे लगा कोई आएगा नहीं। हेलो, मेगा हॉस्टल। हॉस्टल ओके। वो देखो भाई, 4:30 बज रहे हैं सुबह के। ये देखो, यू स्पीक इंग्लिश? नो इंग्लिश? यस। हां, नो। ये हॉस्टल में चेक इन मेरा हो चुका है, इन्होंने टॉवल दिया है। कोई स्टोर है ये, कोई स्पोर्ट्स का? मैं अकेले हूँ क्या लग रहा है? अरे यहाँ तो मैं अकेले हूँ, कोई भी नहीं, इकलौता टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। कोई बेड ले लो भाई, पूरा हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है। मगदान पहुँचना इतना आसान नहीं है, रशिया के बहुत ही एक्सट्रीम में लोकेटेड है ये, और वन ऑफ द लीस्ट टूरिस्टिक प्लेस पूरे रशिया का। टूरिस्ट यहाँ सबसे कमाते हैं पूरे रशिया में। थोड़ा से बात और करते हैं, सोते हैं, आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिलेंगे। ये हॉस्टल इन्होंने मेरे को दिया है 900 रूबल पर नाइट में, लगभग 1100 रुपये पड़ेगा पर नाइट। ओके, आई गो कम। ओके 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 ओके। पीने को पानी नहीं है, मेरे पास भी खत्म हो गया, हॉस्टल में भी नहीं है। अच्छी बात ये हॉस्टल फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सुपरमार्केट है जो कि 24 आवर ओपन रहता है। मगदान कोलिमा हाईवे का आका रोड ऑफ बोस का बोल सकते हो, चाहे स्टार्टिंग है चाहे दी एंड है, हमारी कोलिमा हाईवे रोड ऑफ बोस जर्नियाँ खत्म होती है। और हल्का हल्का स्नो फॉल हो रहा है, ये देखो बहुत माइन्यूट स्नो फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट, कैमरे में नहीं दिखेगा। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है स्नो फॉल हो रहा है। ये मैगजीन है यानी कि सुपरमार्केट। उतरो वो दा सुबह के 4:30-5 बज रहे हैं, क्या बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो कि क्या बोलो, गुड मॉर्निंग बोलना दोबर उतरो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है भाई, 24 आवर वाला, बहुत सही है, लोकेशन बहुत सही है। प्रिवियत काको जावूत ब्लाद, अल्कोहल ही अल्कोहल मिल रही है भाई यहाँ, पानी किधर है? ओके ओके, स्पेसी भाई। ये 5 लीटर का पानी ले लिया हूँ, चलो आराम से काम चलता रहेगा। ये योगर्ट ड्रिंक है, पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, और ये 2 पीनट लिया हूँ अलग अलग फ्लेवर, और ये कैरमल फ्लेवर वेफल है, इतना कुछ पड़ा है 426 रुपये का, 434 रुपये का, लगभग 500 रुपये में इतना सामान। टूरिस्ट द सिक्योरिटी सिक्योरिटी Hey guys, welcome to the one of the most isolated and most remote cities in the world. जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं रात में 5 बजे मगदान पहुँचा था, पूरा 2000 किलोमीटर का रोड ऑफ बोन्स की जर्नी कंप्लीट करके। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, जस्ट अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ। याकूस में जब मैं था तो लोवेस्ट टेम्परेचर अराउंड -50 डिग्री था, फिर ओमियाकॉन और उसनेरा में अराउंड -60-65 डिग्री था, बट मगदान में अभी टेम्परेचर हो रहा है -15 डिग्री, तो काफ़ी वार्म है। सिर्फ एक कैप लगाया हूँ, जैकेट भी ओपन है, काफ़ी नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे टेम्परेचर। काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, काफ़ी अलग सिटी है भाई ये, पूरे रशिया से देख सकते हो। मगदान पहुँचना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कम लोग आ पाते हैं मगदान। अगर मॉस्को से देखा जाए तो बाई रोड मगदान का डिस्टेंस है 10,200 किलोमीटर। जी हाँ, व्लादिवोस्तोक पड़ता है 9,000 किलोमीटर, लेकिन मगदान है 10,200 किलोमीटर। मगदान न सिर्फ रशिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड सिटी इसलिए है क्योंकि मगदान से नेक्स्ट बिगेस्ट सिटी, नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी अराउंड 2,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, या उससे भी ज्यादा है। मगदान आज से लगभग 100 साल पहले 1929 में फाउंड किया गया था ड्यूरिंग स्टालिन एरा, और मगदान एक बहुत ही मेजर ट्रांजिट सेंटर हुआ करता था पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, जो कि साइबेरिया के फोर्स्ड लेबर कैंप में भेजे जाते थे, गुलाग प्रिजंस में। मैं काफी खुश हूँ यार मगदान पहुंच के। एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जब मैं ओमेकॉन में फंसा हुआ था। कल मेरी फ्लाइट है मगदान से। मगदान ओब्लास्ट इतना आइसोलेटेड और इतना रिमोट लोकेशन होने की वजह से पूरे रशिया का लीस्ट पॉपुलेटेड ओब्लास्ट है। जी हाँ, पूरे मगदान ओब्लास्ट की पॉपुलेशन, मैं सिटी बात नहीं कर रहा, उसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 1,35,000। मगदान सिटी की बिल्डिंग्स देखो, आर्किटेक्चर देखो, काफी पुरानी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, नई और मॉडर्न बिल्डिंग बहुत ही कम दिखेंगे आपको मगदान में। ऐसा बोला जाता है ये सिटी 1 सेंचुरी पुराना लुक देता है, 100 साल पुराना लुक देता है, जब यहाँ के गुलाग के प्रिजनर्स फोर्स लेबर बहुत ही हार्श सीवियर क्लाइमेट में यहाँ पर आए थे इस सिटी को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो कई जगह लिखा हुआ है आपको यहाँ ऐसा फील होगा मगदान में कि आप 1 सेंचुरी पहले के टाइम पे वॉक कर रहे हो स्टालिन एरा में। मगदान आने के लिए कोई भी रेलवे नहीं है, और बाई रोड मगदान आप सिर्फ विंटर्स में पहुंच सकते हो। समर्स में जो कोलिमा हाईवे रोड है मगदान तक पहुंचने का, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत सारी रिवर
और वाटर स्ट्रीम, कैनल्स, लेक रास्ते में पड़ता है जिसके थ्रू गाड़ियां पास नहीं कर पाती हैं, तो विंटर में ही बाई रोड आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक पॉपुलर सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी होगी या देखी होगी जिसमें पूरे दुनिया की लॉन्गेस्ट वॉकेबल रोड जो है वो बांका दान से शुरू होती है और गई है केप टाउन साउथ अफ्रीका तक। तो ये लॉन्गेस्ट वॉकेबल रोड का स्टार्टिंग या दी एंड है बांका दान। आज तक वर्ल्ड में किसी ने भी इस लॉन्गेस्ट वॉकेबल रोड को वॉक करके कवर नहीं किया है। तो अभी हम वॉक करके मकादान की सबसे बड़ी लोकल मार्केट में जा रहे हैं, देखते हैं कैसी है। ये डेली नीड्स के आइटम मिल रहे हैं। कुदा कुदा ताजिकिस्तान खराशो हिंदुस्तान इंडिया मेरे नहीं है मेरे नहीं है लड़की है फसाना रे लड़की है फसाना रे чуть-чуть понимаю по-английски, потому что Таджикистан и Индия у нас языка, короче, почти одинаковые. Да, да, да. Да. Мере нахихе, нахихе, это да, сюда я понимаю. Как его зовут? Хабиб зовут меня, брат. Хабиб? हबीब ने जाओ। ओके, यहाँ पर मेरे को थोड़ा थोड़ा कजान की फीलिंग आ रही, कजान की इंडोर मार्केट की। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस सब कुछ मिल रहा है, डेली खाने पीने के सामान, दुनिया भर की वैरायटीज की यहाँ पे चीज लगी हुई है। ये सेक्शन पूरा मीट और फिश का है, यहाँ पे अलग टाइप के मीट और फिश मिल रहे हैं। पूरे मकादान ओब्लास्ट की ज्यादातर पॉपुलेशन इस मकादान सिटी में रहती है। प्रेजेंट टाइम में सिटी की पॉपुलेशन अराउंड 90,000 है और दिन प्रतिदिन इस सिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। पहले सिटी की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हुआ करती थी, 1-1.5 लाख के ऊपर हुआ करती थी, बट आज 1 लाख की कम हो चुकी है। तो काफी लोग इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। अब मार्केट में देख सकते हो जितने तो लोग नहीं दिख रहे हैं, ज्यादा यहाँ पे शॉप है। मकादान में ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और यहाँ पे तरबूज देखो, ये तरबूज 500 रूबल का, इतना महंगा हम लोग क्या मिलेगा 50 का, यहाँ 500 रूबल का है, रुपए में 600 रुपए हो गए। खीरा देखो 850 रूबल पर केजी, यानी 1000 रुपए किलो यहाँ पे खीरा मिल रहा है, इतना महंगा। यहाँ पे टमाटर देखो 850 रूबल पर केजी, 1000 रुपए किलो टमाटर यहाँ मिल रहा है, इतना महंगा सब कुछ है यहाँ पे। मार्केट में अंगूर, स्ट्रॉबेरी, संतरे, ये सब भाई 800-900 रुपए किलो मिल रहा है यहाँ पे। ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है मकादान कि सब कुछ यहाँ पहुँचते पहुँचते ना 10 गुना रेट बढ़ जाता है, इतना दूर है ये। इवन मीट भी यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है, सिर्फ पूरे मार्केट में फिश ही सबसे सस्ती यहाँ मेरे को दिखी, क्योंकि मकादान ना 3 साइड से सी ऑफ ओखोत्स से घिरा हुआ है। सी ऑफ ओखोत्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है, तो 3 साइड से सी से घिरे होने की वजह से ना यहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे काफी ज्यादा है, और फिश और फिशिंग यहाँ का वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स है मकादान की इकोनॉमी का। अब मार्केट के बाहर आते ही यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ कैफेज है और रेस्टोरेंट्स है, तो कोई रेस्टोरेंट के अंदर चल के देखते हैं कैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है। अतकुदा मैं सरान मशखत गोरत सरान ईरान ईरान दा ईरान दा ओ खूबी खूबी दा शो отлично спасибо ईरान दा ईरान कोजाई मशखत मशखत Mashhad. 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 Iran. Kailiku. Iran Kailiku. Do you want pie with cheese? Aden. Is kolka ruble? Free for you, free, bro. No. Yeah. Because you're tourists. No. I was in Mashhad this year. Last year I was in Mashhad. Да? Да. Mashallah. Okay. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Как вас зовут? My name is Yura. Yura. He from Magadan? Yeah, from Magadan. Born and brought up in Magadan. Only Magadan, yes. I live in this town. What is your profession? Profession? I'm policeman. Policeman? Yes. Oh, you're police. Russian police. She your friend? My girlfriend. Hello. Как вас зовут? Дарья. Дарья, okay. Куда? Магадан? Да. Живешь? Да. Okay. You both were born in Magadan. Yeah. We are together, live in Magadan, and was born in Magadan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Zavut? Ali. Ali. Okay. तो ये अली है, ये बोल रहे हैं ये ईरान में बॉर्न हुए हैं बट ब्रॉट अप इन रशिया। इनकी पर्शियन बहुत वीक है, ऑलमोस्ट आती नहीं पर्शियन इनको, सिर्फ रशियन आती है। बट यूर ईरानी, तो ईरानी है एथनिसिटी से। उनका एक कैफे है यहाँ पे मार्केट के बाहर, तो यहाँ कुछ खाने आया था मैं। तो ये चीज कुछ है, डोंट नो, कुछ सामसा टाइप का, उसमें चीज फिल्टर से खा के देखता हूँ मैं। ओके आई ईट। इतना बहुत गर्म है, ओहो खैली गर्म।
तो ये चीज फिल्ड सामसा है, गरम होने से पहले काफी बड़ा और फूला फूला रहता है, बट गरम होने के बाद एकदम छोटा सा हो जाता है। पता नहीं इन्होंने क्या ये दिया हुआ है, चलो पी लेते हैं। कितने का मेरे को अभी आइडिया नहीं है, खा के इनको फिर पेमेंट करता हूँ। We are really amazed because India in our Magadan, what I think that it really 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 surprised. You've never seen any Indian in Magadan. Now in Magadan I never see Indian people. अभी तक पूरे यहाँ पे कोई मिला नहीं जिसको इंग्लिश आती हो, इनको आती है। ये बोल रहे हैं बहुत ख़राब है, खासा बहुत अच्छी है। बोल रहे हैं पहली बार कोई इंडियन को देखे हैं, मिले हैं मगधान में, बहुत अमेज्ड हैं। अभी कोई इनके फ्रेंड भी आए थे, वो भी काफ़ी अमेज्ड थे कोई मेरे को देख के। स्कूल का रूबले शरबत नोल। अरे भाई यार, तो ये हमारे पर्शियन भाई रानी भाई, वही अभी जो मैंने खाया और शरबत पिया उसके पैसे ले ही नहीं रहे। मैंने इनको बहुत कोशिश की है देने की, बोल रहे हैं बात उतनी हो नहीं पा रही, लेकिन पैसे ले ही नहीं रहा मेरे को। आई डोंट नो ये कहाँ लेके जा रहे हैं, देखते हैं। चलो मेरे साथ, चलो चलते हैं फिर। योर शॉप वॉश बॉय द चूज अ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ। नो 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 नो, व्हाट आई विल डू, सो नॉर्मल पामिच पामिच बोल रहा है। इसमें से जो भी आपको पसंद हो ले लो एज अ गिफ्ट मेरी तरफ से। मैंने कहा भाई मैं क्या करूंगा लेके, दवा दवा मुझे चाय 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 नियत नियत खरसा। सो गाइस, ईरानी से चाहे ईरान में मिलो चाहे ईरान के बाहर मिलो, यार इनकी हॉस्पिटैलिटी का तो कोई मैच ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं यार। जबरदस्ती मेरे को इन्होंने ये स्वेटशर्ट दे दिया है, ये कुछ क्रीम कलर का कुछ ऐसा स्वेटशर्ट है। ये मेरे को जरूरत भी नहीं है, मैं लेना भी नहीं चाहता, ना ही मेरे बैग में जगह है, बट इतने दिल से ही मेरे को दे रहा है कि मेरे को मना करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ इनको। अरे खैर, पहली बार कोई टूरिस्ट को देखा हूँ मगधान में, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं काफ़ी अमेज्ड हूँ, ऐसा ये कुछ बोल रहे हैं। अभी मैं अपने हॉस्टल निकल रहा हूँ, अभी जो दो लोग मिले लोकल मगधान के, और ये हम तीन लोग चार लोग रात में भी, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, 2-3 घंटे बाद फिर से मिलने का प्लान है। हम लोग कहीं जाने वाले हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। वी गो नाउ, वी मीट एट 9। ओके ओके ओके, सो सो ब्रो खैली मामनून खैली मामनून खैली मामनून। सो गाइस, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और यूरी मेरे को रिसीव करने आने वाले हैं। ओ बोलते ही आ गए। ओ हेलो यूरी, हेलो हेलो त्रिवाशु, या गोइंग टू स्कार। आई डोंट नो कहां लेके जा रहे मेरे को, इन्होंने बस इतना बोला कि गर्म कपड़े पहन लेना खूब सारा। अब क्या पहनो, टेम्परेचर -15 ही है। हेलो देरिया, हेलो ओके। हेलो दीमा, हाउ आर यू, कब दिला। सो गाइस, यूरी एंड देरिया मेरे को ये स्कीइंग लेके आए हुए हैं। मैंने आज कभी लाइफ में स्कीइंग करी नहीं है, आई डोंट नो सिर्फ देखूंगा या करूंगा पता नहीं, देखते हैं। मैं तो भूल ही गया कि इन लोग यार रशियन पुलिस ऑफिसर हैं। तो काफी ज्यादा बड़ा ये स्कीइंग रिंग है, देख सकते हो आप। हेलो इट्स फॉर मी। जितने लोग मिल रहे हैं यार, हर कोई सुपर फ्रेंडली, सुपर डुपर फ्रेंडली। I appreciate this, thanks. ओह भाई, सब लोग भाई इस पे चल रहे हैं, मैं जब खड़ा भी ना पाऊँ। काफी सारे लोग आ रहे हैं भाई स्कीइंग करने, शायद अभी ओपन हुआ है, रात में 9 बजे 8:30। ये कुछ ऐसा स्कीइंग बूट है, ये देखो काफी बड़ा काफी हैवी है भाई ये तो। तो अपने पर्शियन भाई अली भाई भी आ चुके हैं। हेलो कोबी, ऐसे ऐसे हो रहा है It's okay, we can't hear. No problem. What if I fall? Don't be afraid. I will fall. No, you can fall. देखो देखो अभी ये देखो, अरे भाई साहब, ओहो एक सेकंड में इस कोने से उस कोने पहुंच जाते हैं। ओहो अमेजिंग, सुपर प्रोफेशनल। यहाँ पे जितने लोग कर रहे हैं सबकी हॉबी है, यहाँ पे लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल से कर रहे हैं और वीक में एक दो बार करने आते हैं। We not forgot you. Yeah. Come on. The second lesson, yeah? Don't you want to fall? Yeah. You don't fall. I better go hard. You'll be okay. Almost सारे के सारे लोग प्रोफेशनल है यहाँ पे, सब प्रोफेशनल।
еще могу. Давай, давай. Давай, давай. Мама какая, да? Your first time was, I think, my opinion, that was very good. Very good. For first time, because you can balance and don't afraid fall. Really good. Very good, thank you. Это первый раз вообще спал. Сейчас будет... Сломался. Forget what your brain is so broken. Translate. Yeah. Right, right. Where you don't search words, search words. Oh, A, B, C, D. Oh, I know, yes. So guys, skiing में तो बहुत मजा आया. सारे लोग आ गए हैं, बोल रहे हैं आपको फोटो खिंचानी है. Bro, yeah, bro. दवा. भाई बाहर चले गए थे, सब लोग, काफी लोग हैं, 8-10-15 लोग हैं, अंदर आ चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं, साथ में ग्रुप फोटो लेनी है. Yeah. ये सारे लोग बोल रहे हैं भाई हमारे लिए आप सेलिब्रिटी हो, मजाक में आपस में. और काफी बड़ा ग्रुप है, सब उसको जानते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं सालों के बाद हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं. कोई यहाँ फॉरनर टूरिस्ट बहुत ही रेयरली कोई आता है, इंग्लिश बोल नहीं पाते, प्रैक्टिस हो नहीं पाती, तो कुछ बोलने के लिए सोचना पड़ रहा है कि 2-2 मिनट ऐसा है. सो गाइस हम लोग आए हुए हैं पैंडोरा लाउंज. Это наш гость из Индии. Hello, what's your name? My name is Tatiana Vicky. Oh, Pandora Lounge, yes. And you see numbers 6, 9. You see, yeah. Bottom line 6, bottom line 9. Rules, if really very easily, I think. Shariko. Podshipnik. Wow! Okay. Maybe. Second word. Very difficult. Oh. Mnago functionalni. What is this? Yes. Many functional. This is Russian word. Yes. Yes. This is Russian word. Russian oh my word. God. It's one word. It's one yes, word. Yes, one word. Oh, it's very difficult. Yes. Oh my God. What does it mean? Many function. Many function. Yes. How do you read it? You read it. Многофункциональный. Пальло, бай, бот дифкал, бай, Russian word ये. So it's no potsy nan noni. Yes, okay. How did I read it? What is my ranking? Ranking is A. A, really? Super A. Super A. Yes, super A, yes. A plus, really? Oh, read it. शाम को 8:30 बजे निकले थे यूरी के साथ, अभी रात के 3 बज रहे हैं. जस्ट अभी मैं अपने हॉस्टल वापस आया हूँ. काफी सारे लोग हो गए थे यार, काफी सारा हम लोगों ने एंजॉय किया, काफी अलग अलग टाइप के हम लोगों ने गेम खेले और हम लोगों ने डिनर भी साथ में किया. सब लोगों ने इंक्लूडिंग मी बहुत ज्यादा एंजॉय किया यार, बहुत मजा आया. मगदान में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा टाइम इतना बढ़िया गुजरेगा यहाँ पे. ऐसा टाइम शायद ही मैं लाइफ में कभी भूलूं. इन लोग रैंडमली मेरे पास दोपहर में एक रेस्टोरेंट में मिले, फिर इतनी अच्छी उनसे बॉन्डिंग हो गई. और कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा मॉस्को के लिए. आई डोंट नो लाइफ में दोबारा कभी मिलना होगा कि नहीं. बस यही ट्रैवल है, इतने अच्छे लोग मिलते हैं फिर अचानक से एकदम अलग होना पड़ता है. ओवरऑल मकदार मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है. मैंने इतना सोचा नहीं था इतना कुछ यहाँ मैं करूँगा, इतने अच्छे लोग मेरे को यहाँ मिलेंगे. तो वीडियो फिर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से. वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, सब कुछ शेयर करिएगा. आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी मेरा नाम है तुर्विशु, जो नीचे लिख के आ रहा है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ही करिएगा. बाय बाय, टाटा.